शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं के द्वारा महामहिम राज्यपाल ना एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तहसीलदार ने एसीसी पर उचित कार्यवाही का दिया आश्वासन। क्षेत्रीय बेरोजगार युवाओं ने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को कहा। उन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी बातों को रखा। किसी भी संस्था का विकास होने का मतलब सिर्फ संस्था का विकास नहीं, शिक्षित बेरोजगारों को उचित रोजगार मुहैया कराना, अपितु क्षेत्रीय विकास भी होता है। जैसे क्षेत्र में रोड, बिजली, पानी, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य विकास, मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराना भी होता है। आप सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार जो कि तकनीकी रूप से शिक्षित हैं, वही सबसे बड़ी प्राथमिकता स्थानीय लोगों को रोजगार देना होता है। बेरोजगार युवाओं ने एसीसी मैनेजमेंट के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्र में यह भी दर्शाया, क्षेत्र में विकास की संभावनाएं आपके द्वारा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही हैं। इस कोरोना काल में क्षेत्र में कोरोना वैश्विक महामारी को फैलाने में अप्रत्यक्ष रूप से एसीसी कैमोर, सीमेंट एवं एसीसी अमेहिटा प्रोजेक्ट की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, किंतु स्थानीय लोगों की आवाज उठाए जाने पर भी कार्यवाही नहीं की गई। आइए चलते हैं क्षेत्रीय बेरोजगार शिक्षित युवा मजदूर साथियों के पास, जिन्होंने मीडिया के सामने रखी अपनी बातें। साथ ही पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने भी अपनी बात मीडिया के सामने रखी। एसीसी के विरोध में यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल के नाम से। उस ज्ञापन को जो निम्नानुसार कार्यवाही होती है हम करेंगे और यहाँ से कलेक्टर साहब को भेज दिया जाएगा। सर, विगत पर कई वर्षों से ये प्रक्रिया अभी चली आ रही है, एसीसी के ऊपर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं है, उसको लेकर क्या बोलेंगे सर आप? इसके लिए जो निम्नानुसार कार्यवाही होनी चाहिए वो की जा रही है। थैंक यू सर। प्रोजेक्ट हमारे अमेहटा में आ रहा है और ये विज्ञापन हम एक दो बार पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कंपनी के द्वारा लगातार एक डेढ़ साल से बाहर के ठेकेदार, बाहर की लेबर, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियर है, आईटीआई वाले, अभी पूरा प्लांट देख लो आप, एक आदमी नहीं मिलेगा यहाँ का, ना इंजीनियर ना आईटीआई वाला, किसी प्रकार का नहीं। लेबर को रखते हैं, लेबर का रेट घर का अलग है, जो बाहर की लेबर आती है उसका रेट अलग है। वहां वालों को 700 दिया जा रहा है, यहां वालों को 350 रुपया दिया जा रहा है। अब काम सेम है दोनों को, गारा वो भी बना रहा है, गारा वो भी बना रहा। अभी इसके पहले भी आपने एसडीएम मैडम को विज्ञापन सुना? पिछले साल भी दिया था, बीच में भी एक बार दिया था, ये मार्च में दिया था, फिर इसके बाद कोविड-19 आ गया था, इसके बाद अभी दे रहा है। तो आपको क्या आश्वासन मिला? अभी ये तहसीलदार साहब ने ज्ञापन लिया है और कार्रवाई के लिए बोला है कि हम इसको आगे कलेक्टर साहब को देंगे, और जो ये हम लोग ज्ञापन दिए हैं तो राज्यपाल के नाम से दिए हैं। अच्छा, तो अभी जो आप इसके पहले जो दिए थे उसमें कुछ प्रक्रिया हुई? उसमें कुछ नहीं हुई थी, और बस यही कंपनी के द्वारा बोला गया था कि हम क्षेत्रीय लोगों को देंगे, लेकिन अभी तक तो एक क्षेत्रीय वालों को नहीं लिया गया है पूरे विधानसभा से। तो अभी आपको कितने दिन का टाइम दिया इन्होंने? अभी तो टाइम इन्होंने नहीं दिया है, बोले बैठ के जो मेजरमेंट है एसीसी को, उनसे बैठ के जो भी चर्चा इनकी बात होगी, अगर नहीं मानेंगे तो पूरी क्षेत्र की जनता, जो भी नवयुवक है, शिक्षित है, आईटीआई इंजीनियरिंग लड़के हैं, सबको लेके हम एसीसी के संघ ने तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? आज माननीय राज्यपाल के नाम पर ग्राम क्षेत्रवासियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और यह बताने की का प्रयास किया है कि हमारे यहां शिक्षित भी लोग हैं, तकनीकी लोग भी हैं, ठेकेदार भी हैं और स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोग भी हैं। एक प्रशिक्षित लेबर से लेके एक साधारण लेबर भी है जो श्रम यहां पे करती है। एक प्रकृति का सिद्धांत है कि जहां सूर्य उगेगा वहां पहले रोशनी होगी, लेकिन उस सिद्धांत के खिलाफ यहां पे एसीसी के जो अमेटा प्रोजेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यहां पे बाहरी लेबर, बाहरी ठेकेदार, बाहरी इंजीनियर, ऐसे लोगों को बुलाया रहा, जिससे क्षेत्र की हमारी जो प्रतिभा है वो वंचित हो रही है। दूसरा, अगर यहां का लोकल आदमी कोई काम मांगने जाता है तो उसको एक अलग रेट बताया जाता है, बाहरी लोगों के रेटों में काफी अंतर है, वो 3 गुना ज्यादा रेट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। दूसरा, प्राथमिकता के आधार पर हमारे यहां क्षेत्र में अगर रोजगार लग रहा है तो पहले हमारे यहां हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मेरे बगल में एक इंजीनियर खड़ा है, अगर ये नौकरी मांगने जाएगा तो इसको 10,000 की भी बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई बाहर से इंजीनियर लाएंगे आप तो 40,000 और 50,000 रुपये आप देंगे।
यहाँ के ठेकेदारों को कुछ और रेट मिलेगा, यहाँ जो लेबर सप्लाई करने के लिए जाते हैं उनकी लेबर का कुछ और रेट है, बाहर के लेबर का कुछ और रेट है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट चल रहा था जिससे काफी लोग शिक्षित होकर नौकरी प्राप्त कर रहे थे, उसको भी बंद कर दिया गया है। एसीसी चाहती है कि यहाँ के लोग दबे कुचले रहें और उसकी यहाँ पे गुंडागर्दी चलती है। एसीसी का जो मैनेजमेंट है वो बाहरी बाउंसरों को बुलाकर, बाहरी लोगों को बुलाकर यहाँ के लोकल लोगों की आवाज को दबाता है, उनको गुंडागर्दी करता है। बीच में भी कुछ दिन पहले मारपीट भी लोगों के साथ हुई है, जिसकी शिकायत माननीय एसपी महोदय के यहाँ की गई है। सर अभी अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।